सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और दिन की बात करूँ तो आज है संडे और आज है हमारा फास्ट, और मेरा भी है और अम्मा का भी है, सप्तमी का फास्ट है। तो मैं चल रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, तो गाना चल रहा है भजन, और मैं मॉर्निंग में से चला देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग का टाइम है और टाइम की बात करूँ तो लगभग बज रहे हैं 7:15 का टाइम हो रहा है, और मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ अब पूजा पाठ करने, उसके बाद मैं जाऊँगी जल चढ़ाने नीम के पेड़ में। कहते हैं कि शीतला माता का वास होता है नीम के पेड़ में, और सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा होती है, तो वहीं पे मैं जाऊँगी जहाँ पे हमारी गाय रहती है ना। तो आज मैं फिर से आपको भी अपनी गाय और छोटू सा क्यूट सा जो है बच्चा दिखाऊँगी, बच्चिया है। और प्लीज़ आप बताइए आपको मैं किस टाइप का जो है वीडियो शेयर करा करूँ, आपको किस टाइप की वीडियो मैं दिखाऊँ, अपने मतलब काना की दिखाऊँ कि पूजा से रिलेटेड दिखाऊँ कि क्लीनिंग से रिलेटेड दिखाऊँ कि रूटीन दिखाऊँ रेसिपी दिखाऊँ क्या दिखाऊँ, आप प्लीज़ बताइएगा। और जो भी बताइएगा प्लीज़ 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 मेरे हिसाब से बताइएगा कि जो मैं आपको दिखा सकूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ऐसी रिक्वेस्ट मत करिएगा कि जो मैं आपके साथ पूरी ना कर सकूँ। तो और यहाँ पर ये देखिए, मैंने अभी सिंदूर भी नहीं लगाया, रेडी तो हो चुकी हूँ लेकिन सिंदूर मैं पूजा के बाद ही लगाऊँगी। लगभग मैं सिंदूर जो है डेली मैं पूजा के समय पर ही लगाती हूँ, पीला वाला यहाँ पर नहीं लगाती हूँ मैं, मेरी आदत पड़ गई है, पूजा पाठ करते समय वहीं पर लगा लेती हूँ तो वो हो जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मंदिर में और मैं पूजा कर लेती हूँ, और कान्हा को भी मुझे उभी उठाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कान्हा को उठा लूँ, उठा के पूजा वगैरह कर लूँगी तो फिर मैं आपको मिलाती हूँ अपने कान्हा से। तो यहाँ पर कान्हा नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, अपनी न्यू न्यू ड्रेस पहनकर बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत खुश भी हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ अब जल चढ़ाने, सप्तमी की जो मेरी हमारी आज व्रत है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ जल चढ़ाने के लिए, जहाँ पर हमारी गाय भैंस रहती हैं। तो साथ में शरद भी आए हैं और वो अपने कह रहे थे मैं अपनी गाय दिखाऊँगा, अपनी बच्चियाँ दिखाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है चलो दिखा लो। तो मैं यहाँ पर जल चढ़ा लूँ, जल चढ़ाने के बाद फिर मैं गाय को भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए मुझसे इतना ये भागता है, एक्चुअली मैं कभी कभी आती हूँ इसलिए मुझसे भागता है, और शरद से बिल्कुल भी नहीं भागता। शरद से बहुत मतलब इसकी जान पहचान है, इसकी भी और जो बड़ी वाली बच्ची उसकी भी। तो वहीं पे शरद कह रहा है कि तुम क्यों भागते हो, तुम क्यों भागते हो, मम्मी आ जाती है तो तुम बहुत भागते हो, तुम बहुत गंदे हो गए हो। तो मैं अभी ऐसे कह रही थी तो ये कह रहे थे मम्मी हो गए मत कहो, ये लड़की है और गाय तो हमारी साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात गऊ है। जैसे लोग कहते हैं ना कि गऊ माता, तो ये वाकई में गऊ माता है, बहुत सीधी हमारी गाय है ये। और शरद तो इसका मतलब शरद के प्राण इनमें बसते हैं एकदम से। तो चलिए यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा जो है म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, वीडियो को इंजॉय करिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर शरद से इतना प्यार कर रही थी, मुझसे बहुत भागती है, तो शरद कहे मम्मी धीरे से आना तो देखो भागेगी नहीं। और सही में आज ऐसा ही हुआ, आज मैं आई तो ये भागी नहीं, मुझे अपने आप को छूने दिया इसने। तो चलिए चलती हूँ घर। और यहाँ पर ये देखिए चिड़िया के अंडे भी हैं, 5 अंडे, एक चिड़िया थी इसके पहले, उसके बच्चे सब चले गए तो ये दूसरी चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो चलिए चलते हैं घर, वो रहा सामने मेरा घर, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है। तो मैं आ चुकी हूँ घर, मेरी पूजा वगैरह हो गई है, अब मैं चल रही हूँ किचन में अपनी डेली के काम में। तेरा ही सहारा है।
तो यहाँ पर गुनी पढ़ रही हैं और इनसे भी मैं कह रही हूँ बैठ कर थोड़ा सा पढ़ लो, तो ये देखिए कैसे हंस रहे हैं। इनका बिल्कुल भी मन नहीं करता बैठने का, खेलने में इनका ज़्यादा मन लगता है। तो मैंने अब खाना बना लिया है, मैंने कुछ शेयर नहीं किया, मैंने नहीं बनाया, मैंने जीरिस बनाया है और चावल बना दिया है, क्योंकि मेरा और अम्मा का तो फास्ट है, बस दोनों बच्चे और हस्बैंड इन्हीं को खाना है, तो बस उन्होंने कहा कि कुछ सिंपल ही बना दो, तो मैंने कहा दाल चावल बना देती हूँ, तो चावल के बदले मैंने जीरा राइस बना दिया। यहाँ पर मैं इन लोगों को खाना दे दे रही हूँ। और कभी कभी होता है ना, हम लोग इतना काम करते हैं, काम क्या करते हैं, मतलब हम लोग घर में रहकर हम लोगों का जो काम है वो किसी एक नौकरी से कम नहीं है। नौकरी तो फिर भी एक होती है कि हाँ सुबह जाओ शाम को जाओ, हम लोग की परमानेंट की नौकरी होती है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ बाहर, यहाँ पर अम्मा बैठी हुई हैं और यहाँ पर अंदर में ये लोग खाना खा रहे हैं, गुनी शरद और उनके पापा। तो वही मैं कह रही थी कि तो कोई कह देता है ना कि तुम करती क्या हो, तो फिर बहुत हम लोग लेडीज़ों को बहुत कष्ट होता है कि हम लोग दिन रात एक नौकरी से भी ज़्यादा हम लोगों को काम होता है, हम लोगों का बर्डन होता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे कह देता है तो बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ पर हम चाय पी ले रहे हैं, गुनी के पापा उसके बाद जो है चले गए थे, और मैं यहाँ पर अब कान्हा को ले आ रही हूँ रूम में, क्योंकि मतलब मंदिर में नहीं रहता है, पंखे की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, तो अपने साथ ही ले आती हूँ। और मैंने बनाई थी आइसक्रीम, कुल्फी वाली आइसक्रीम बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। यहाँ पर मैं निकाल के दे रही हूँ गिनी शरद को, वो ले जा रहे हैं कान्हा को खिलाने। ये देखिए हम लोग कान्हा को कुल्फी खिलाने जा रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप हम लोग आप कमेंट में बताइएगा, हम लोग आपको रेसिपी भी देंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होने वाली है। तो चलिए कान्हा को खिलाते हैं। तो ये देखिए कितने खुश हैं। यहाँ पर मैंने और भी कुल्फी निकाली है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। रेसिपी चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में मैं शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाई है। एकदम बाहर वाली क्या लग रही ना? हाँ क्या बोला? पहले मैं आइसक्रीम इंजॉय कर लूँ, उसके बाद फिर चलूँ मैं आलू भूनूँ। और इसमें जो है मतलब दूध है और चीनी है और नरी वो गरी के बुरादे को, मैं गरी के बुरादा है और मैं कभी कभी मुँह से उल्टा निकल जाता है, नरी कहने जा रही थी, गरी का बुरादा है इसमें जो मतलब वो क्या बोलते हैं डेसिनेटेड कोकोनट। तो चलिए खा लेते उसके बाद फिर जो है। सो गई थी दोपहर का टाइम है, लगभग 12:30-1 का टाइम है, इसी के आसपास है। और मैं यहाँ पर अब जो है व्रत के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने मूँगफली भून ली है, पापड़ निकाल लिया है, तल लिया है, और आप यहाँ पर मैं आलू भून रही हूँ अम्मा को खाने के लिए। जब मैं अकेले व्रत रहती हूँ तो मैं अपने लिए इतना कुछ टिम्मा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जब अम्मा रहती हैं तो उनके लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब उनके लिए करती हूँ तो फिर साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने लिए ये सब सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। तो लाइट चली गई है, मैं अभी आ गई हूँ गैस पर वापस से, और यहाँ पर मैं फटाफट से कर लूँ और सारे काम कर लूँ। बर्तन भी धुलने हैं बहुत ढेर सारे अभी, तो बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद फिर अम्मा को खिला पिला दूँगी। और बस मॉर्निंग टू आफ्टरनून की ही मुझे इवनिंग मतलब रूटीन आपके साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा बर्तन निकला हुआ है, बर्तन तो इतने निकलते हैं हमारे घर में, इतने निकलते हैं कि मैंने उसी हिसाब से निकाल भी रखे हैं, लेकिन बच्चे मेरे बर्तन बहुत जूठा करते हैं। ये नहीं है कि एक ग्लास से पी के रख दें कहीं साइड में फिर से पिए, ऐसा नहीं करते हैं। सिंक एकदम मेरी भर जाती है, मैं कितना भी धुल कर उसको क्लीन एंड क्लियर किए रहूँ, लेकिन हर टाइम पे सिंक भरी ही रहती है। तो अब यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए हैं, बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं, अब मैं चल रही हूँ फिर से। सो गाइस यहाँ पर आलू भूनते भूनते मैंने बर्तन भी धुल लिया, और किचन तो साफ है, ये कुछ करना नहीं, बस अम्मा खा लेगी तो थोड़ा सा सब सामान समेट दूंगी। रोटी बना लो तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो गुनी पापा को जल्दी निकलना था, उन्होंने कहा कि बस जो है दाल चावल बना दो। तो मैंने जीरा राइस बना दिया था और दाल बना दी थी और फ्राई कर दिया था दाल को अच्छे से। और तो हाँ मैं कह रही थी कि आलू भी भून गई, आलू भूनते भूनते मैंने अपने सारे काम भी खत्म कर लिए, बर्तन धुल लिए, लेकिन अभी अम्मा नहीं आई है, अम्मा होंगी कहीं अभी। वैसे मेरे यहाँ काफ़ी बड़ा परिवार है, फैमिली में हमारे यहाँ कई घर हैं, यहाँ पर 5-6 घर हैं, तो किसी के यहाँ अपना होंगी तो अभी वो आ जाएंगी। लेकिन अब मैं चल रही हूँ रूम में, थोड़ा सा बेड वगैरह सही करूँगी, थोड़ा सा डस्टिंग नहीं करूँगी बस बेड सही करूँगी। और वहाँ पर मैंने धीमी आँच पर एकदम गैस छोड़ दी है, जिससे कि आलू ठंडी ना होने पाए और वो कुरकुरी बनी रहे। तो जी का मौसम भी आज बारिश वाला हो रहा है, अभी थोड़ी सी बूंदी पड़ रही थी लेकिन बारिश नहीं हुई। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अम्मा का निकाल दिया है, आलू पापड़ और दही का शरबत है और मूँगफली है, बस इतना ही खाएंगी वो। खीरा मैंने दे दिया था फिर बाद में कट करके उन्हें,
और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैं दही का शरबत नहीं लूँगी, मुझे चाय से ज़्यादा मतलब ठीक लगता है। आलू मैं ऐसे ही खा लेती हूँ और मूँगफली तो मैं अब खा ही नहीं पाती हूँ, मेरी दाँत में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं तो मैं वैसे तो मूँगफली बहुत नहीं खाती थी, लेकिन हाँ आलू मैं बिना मूँगफली के बिल्कुल नहीं खा पाती थी, लेकिन अब जो है ना मूँगफली ही मैं नहीं खा पाती हूँ। पहले लगता था कि मूँगफली के बिना आलू कैसे कोई खाएगा, लेकिन अब ये है कि मजबूरी हो गई है तो फिर ऐसे ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए, पापड़ ले लिया, धीरे धीरे पापड़ भी खा लूँगी। चलो मेरी सो गाइज, अब मैं चल रही हूँ मैं भी रूम में, और यहाँ का काम आकर थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, सिर्फ सामान समेट देना है, बाकी सब साफ़ है। तो जो है चल रही हूँ रूम में, और मैंने अपना यहाँ पर ले लिया एक चम्मच, मैंने दही भी लिया। यहाँ पर कर रही हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।